चैनल स्टडी बॉक्स, दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 3 का पार्ट ए का सेकेंड चैप्टर, दैट इज बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ये हमारा जो फ्लैग है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ था, बिगनिंग ऑफ मिड 20th सेंचुरी में। अब पढ़ेंगे कि कैसे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने और क्या किया, बंगाल के आर्टिस्ट सबसे वहाँ के सबसे जाने माने आर्टिस्ट कौन हैं, अबेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो उनके सबॉर्डिनेट थे या फिर उनके जो पेंटर्स उनके साथ जो पेंटिंग करते थे उनका क्या रोल था, हम चैप्टर में वो कवर करेंगे, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनका रोल। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन फीचर्स एंड देन पेंटिंग्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मेरे इस चैनल स्टडी बॉक्स पे आपको इससे पहले के चैप्टर्स जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, डेक्कन, उन सब की आपकी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको बहुत ईजी पड़ेगा सब कुछ फाइंड आउट करने में। एंड ये मेरी सिस्टर का चैनल है क्राफ्ट मैजिक बाय सारा, जहाँ पे आपको बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि कैसे ओरिजिन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और डेवलपमेंट में क्या क्या आर्टिस्ट आए, उन्होंने कोई डेवलपमेंट किया, किन किन आर्टिस्ट के साथ मिल करके किया, वो सब पढ़ेंगे। फिर टेक्निक जो यूज़ की गई, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर में, टेक्निक में पढ़ते थे हम लोग टेम्परा टेक्निक, इस बार हम लोग पढ़ेंगे वॉश एंड टेम्परा टेक्निक। अब ये क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, एंड हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर के बारे में, क्या चीज़ हमें इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेन फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको यही तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जर्नीज इन राधिका, शिवा एंड सती एंड मेघदूत, एंड ट्रस्ट मी इस चैप्टर की सारी पेंटिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो हम बढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। सो फर्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 20th सेंचुरी में, जैसे मैंने बताया था कि बिगिनिंग ऑफ मिड 20th सेंचुरी में है हमारी पेंटिंग सब बनना शुरू हुई थी, तो उसी टाइम पे ये डेवलप्ड हुआ था 20th सेंचुरी में, ठीक। फ्लरिश कैसे हुआ, मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड एशियन स्टाइल्स। ओके, देखो मैं आपको ना लास्ट चैप्टर से समझाती आई हूँ ये बात कि हमारी जो ये पेंटिंग्स हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं जो हमें लाइक एवोल्यूशन के बाद हमने बनाना शुरू किया है, वो सारी की सारी ज़्यादातर हम लोग यही चाहते हैं कि वो नेशनलिज्म को प्रमोट करें, लोगों के अंदर, यूथ के अंदर जागरूकता बनाएं, तो इसीलिए हमने इंडियन स्टाइल को मिक्स किया है एशियन स्टाइल के साथ, ना कि सिर्फ उनके स्टाइल को सीधा सीधा कॉपी कर दिया। देखो जो हमारे अभी से जितनी भी पेंटिंग्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब वो सारी पेंटिंग्स प्लस इस चैप्टर की और इससे पहले वाले चैप्टर की, सब में यही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे इंडिया के नेशनलिज्म को अच्छे से दिखाना है, तो उससे रिलेटेड हम सारी पेंटिंग्स पढ़ेंगे, और उसी से ये पेंटिंग भी फरश हुई है। बंगाल स्कूल जो पेंटिंग है वो कैसे बनी है, मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड एशियन स्टाइल्स, ये बात याद रखनी है। ओके, इसके बाद आता है आर्ट स्कूल। देखो जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे तो ऑफकोर्स ये बात है उन्होंने अपने तरीके का आर्ट को जो है वो ज़्यादा मतलब दिखाने की कोशिश की होगी लोगों के सामने, ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने उसको प्रमोट किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर उसके लिए स्कूल्स खोल दिए, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, लाहौर में, तो ये सब जितने भी आर्ट स्कूल हैं यहाँ पे आर्ट स्कूल खुले जो कि इस्टेब्लिश किए गए थे किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आता है, देखो हमारी कंट्री में क्या बोला, मेन प्रॉब्लम क्या है, वेस्टर्न स्टाइल को हटाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी उस टाइम पे, भाई कि अब इनको कैसे हटाएं, हमारे इंडियन स्टाइल को वापस कैसे मतलब बसाना है अपनी कंट्री में और इस वेस्टर्न स्टाइल को हटाना है। तो अबेंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि आप ऊपर वाली फ़ोटो में देख सकते हो ये, एंड जो नीचे है वो है ई बी हेवल। ये कौन थे, ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे और कैसे प्रिंसिपल थे ऑफ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, उनके प्रिंसिपल थे ये। ओके,
इन्होंने क्या किया, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थे कि भाई जो इंडियंस है उसके ऊपर लाइक ये यूरोपियन स्टाइल को थोपा जा रहा है, इस आर्ट को थोपा जा रहा है इंडियंस के ऊपर, तो वो चीज़ उनको हटानी थी। इनकॉन्सोलेबल का मतलब होता है ग्रीव करना, सॉरो, उनको बहुत दुख हो रहा था इन लोगों को ये सब क्यों किया जा रहा है इंडियंस के ऊपर, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे ये सब चीज़ करना। तो 1896 में इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट, इसको काफ़ी देखा गया, इसको लाइक इम्पोर्टेंस दी गई कि हाँ लाइक अब हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है आर्ट की उसको और ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक। अब आते हैं क्या कि फिर जो मैंने आपको बताया था अभी नई टाइप की टेक्निक आई थी टेम्परा एंड वॉश टेक्निक, तो ये वही है। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनकी अभी आपने फोटो देखी, वो उन्होंने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था टेम्परा एंड वॉश टेक्निक को, जिसमें क्या था, ये मिक्सचर था किसका, इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग का, जापनीज पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग। देखो तीन टाइप की पेंटिंग्स को मिला करके इस टेक्निक को बनाया गया था, ओके। अब इसके अंदर क्या है, जब इन्होंने इस चीज़ को बनाया, इसको और ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचाने के लिए, इनके पास इनके कुछ फेमस स्टूडेंट्स थे, कौन कौन थे, नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, अस्तित हल्दर, शितेंद्र नाथ मजुमदार एंड के वेंकटप्पा और बाकी बहुत सारे, ये कुछ उनके मोस्ट फेमस जो स्टूडेंट्स हैं ये वो हैं, ठीक है। अब इनके जो ग्रुप है इसको बोला जाता था डिस्टिंक्ट स्टाइल डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेचुरलिज्म। ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि इन्होंने जो ये टेक्निक निकाली थी अबेंद्रनाथ टैगोर ने और उनके साथ ये स्टूडेंट्स ने, इन्होंने ये जो टेक्निक निकाली थी इसमें अलग ही टाइप का मतलब यूनिक था ये, क्यों, क्योंकि इन्होंने उसको कॉपी नहीं कर दिया था, ना ना ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मिला करके उस पेंटिंग को, उस टेक्निक को इन्होंने इवॉल्व किया था, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक ग्रुप भी कहा जाता था, ओके। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मान लो, काल भवाना ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताइए बंगाल स्कूल का, जो कि आ भी जाता है मोस्टली टाइम पे, ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताइए एंड टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं बंगाल स्कूल में, तो आप उसमें लिख सकते हो, ये अच्छी बात है, आना चाहिए कि काल भवाना जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, ठीक, ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सागरिका सिंह एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल स्टडी बॉक्स, जहाँ पे आपको पेंटिंग एंड जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड उसके साथ साथ उनके नोट्स और तो और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू गो एंड चेक इट आउट एंड या सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, थैंक यू। ओके, सो नाउ यू ऑल नो एवरीथिंग, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ही फ्री में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम बढ़ेंगे टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर पे, तो इसमें आप देख सकते हो अ न्यू स्टाइल बाय अबेंद्रनाथ टैगोर, इसका मतलब क्या होगा, देखो जो अबेंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको अपने आप आइडिया नहीं आया था, उन्होंने क्या किया था कि ई बी हेवेल जो हमने पढ़े थे ना इससे पहले, ई बी हेवेल, उन्होंने मोटिवेट किया था अबेंद्रनाथ टैगोर जी को कि वो ना इंस्पिरेशन ले कहाँ से, मुगल से, राजस्थानी से, पहाड़ी जो हमने पेंटिंग्स पढ़ी हैं इससे पहले वहाँ से वो मोटिवेशन ले, वहाँ से पेंटिंग्स की मोटिवेशन ले, ठीक है, और क्या अजंता बाग से, अजंता बाग की पेंटिंग है ये, ठीक है, वो वहाँ से इंस्पिरेशन ले, यहाँ से इंस्पिरेशन ले, और इन सब से इंस्पिरेशन लेकर के उन्होंने जो नई पेंटिंग्स बनाई हैं उससे क्या करें, अवेकन करें यंग पेंटर्स के सोल्स को, क्यों, देखो भाई वो पेंटिंग्स बनाएंगे, वो उनकी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो उनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी उनसे और प्रभावित होंगे तो उनसे जो यूथ है फिर उससे प्रभावित होंगे, देखा ना, अवेकनिंग यंग सोल्स, तो ऐसे फिर क्या है, जो पेंटिंग्स थी वॉश एंड टेम्परा स्टाइल की, देखो ये बात याद रखना है, जो ई बी हेवेल थे उन्होंने बोला था अबेंद्रनाथ टैगोर जी को कि आप इंस्पायर होइए, ये कहीं नहीं बोला कि उनको कॉपी कीजिए, ठीक, ये बात याद रखना, उन्होंने बोला वहाँ से इंस्पायर होइए, ओके,
कि जिससे कि जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो यंग पेंटर्स को और अवेकन करें उनके सोल्स को हमारे इंडिया की तरफ नेशनलिज्म के लिए। फिर क्या है, जो वॉश एंड टेम्पर स्टाइल की पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत इनॉर्मलसली दिखाया गया, मतलब बहुत ही भरपूर मात्रा में दिखाया गया है वॉश एंड टेम्पर स्टाइल, जिसमें कि हिस्टोरिकल पेंटिंग्स आती हैं, रिलीजियस पेंटिंग्स आती हैं, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर्स के एपिसोड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल याद करो आप पढ़ा था ना हमने, भरत मीट रामा चित्रकूट, तो ये उसका एग्जांपल है क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के एपिसोड्स। एपिसोड मतलब कुछ कुछ भाग, उस चीज़ को डिपेक्ट करना कि सपोज राम जी के वनवास पे गए थे तब रावण आया था कैसे पीछे से सीता जी का हरण करने, तो उस वाले सीन को डिपेक्ट करना वो हो गया, उसको बोलते हैं एपिसोड्स, एक एक लाइक पार्ट को ऐसे दिखाना। ठीक है, रिलीजियस पेंटिंग में आप राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स को ले सकते हैं, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स में जो पुरानी हिस्ट्री से राजाओं से रिलेटेड पेंटिंग्स हो गई, सोशल लाइफ में जैसे कि जो नॉर्मल जनता है उनको दिखाना, ठीक, फ्लोरा एंड फौना मतलब बाग बगीचे एंड वहाँ का जो माहौल है वातावरण उसको दिखाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं किसमें, वॉश एंड टेम्परा स्टाइल में। ठीक, फिर आता है इसकी सेकेंड स्लाइड जो कि क्या है, मॉडर्न आर्ट। अब देखो हम लोग मॉडर्न आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, हमने पढ़ा ना ये बिगिनिंग ऑफ मिड 20th सेंचुरी है, तो हम इसमें देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, कि कैसे उस टाइम जो कॉलोनियल लाइक हमारे पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो उसको कैसे हम नेशनलिज्म में चेंज करें, इन दोनों के बीच में जो मॉडर्न आर्ट है उसका लाइक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वॉर चलती रहती है कि कैसे कौन हम कैसे लोगों को जगाएं। ठीक है, कॉलोनियलिज्म को हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया, उनके टाइम पे आर्ट स्कूल्स बने, एग्जीबिशन की गैलरीज बनी, आर्ट मैगजीन्स बनी, आर्ट सोसाइटीज बनी, तो ये सब क्या किया, ये सब कॉलोनियलिज्म मतलब ये सब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया हमारे ऊपर, ठीक, ये सब करना। और हम के नेशनलिज्म में हम क्या चाहते थे एज ए इंडियंस, इंडियन ने फोकस किया कि हम अपने ही आर्ट पे, अपने ही इंडियन आर्ट उस पे टेस्ट पे बने रहें। ठीक है, लेगेसी जो है उसका ग्रेट इम्पॉर्टेंट हमारे मॉडर्न इंडियन आर्ट में बना रहे, जो आज तक चलता आया है उसका टेस्ट जो है वो बना रहे हमारे इंडियन कल्चर में, हम बाहर की चीज़ों को अडॉप्ट ना करें सीधे सीधे, हम उससे कुछ इंस्पिरेशन ले लें बट अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से एक्ट दें। ठीक है, और क्या है इंडियन आर्ट में क्या है, ड्रॉज आइडियाज़ फ्रॉम द वेस्ट, मैंने वही बताया कि हम वहाँ से आइडियाज़ लें बट अपनी खुद की लेगेसी और ट्रेडिशन को फॉलो करें। सो दीज आर सम पेंटिंग्स क्योंकि वॉश एंड टेम्परा स्टाइल से बनाई जाती हैं, लाइक इंडियन आर्ट में उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये वो है। ओके, सो ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स एंड इसके बाद आपका जो ये वाला लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेन फीचर्स में क्या है, अजंता पेंटिंग्स जो मैंने आपको बताई, तो ये मेन फीचर्स क्या है, वहाँ से हमने क्या देखा है, लीनियर डेलिकेसी दिखाना, रिदम दिखाना, ग्रेस दिखाना हर एक पेंटिंग्स के अंदर, हमने ये चीज़ वहाँ से सीखी है, हमने ये चीज़ वहाँ से सीख करके अपनी पेंटिंग्स में, बंगाल पेंटिंग्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फिगर्स जो है वो डेलिकेट दिखाएं, ग्रेसफुल तरीके से हर एक चीज़ को दिखाना है। ओके, मेन फीचर्स है, ये एक एक वर्ड के हैं, इसमें मैं ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, इसमें आपको बस ये जो वर्ड्स हैं आपको वही ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एंड जैसे ये 5 पॉइंट्स हैं इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख के आना, इज एम आर वॉज वर ये सब लगा देना। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि वॉश टेक्निक्स जो हैं ब्रिंग हारमनी, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है बंगाल स्कूल में, हमेशा याद रखना अगर आपको जब लिखते हो ना कोई भी पेंटिंग्स, तो उसमें लिखते हो गया, हम लोग आर्टिस्ट लिखते हैं, स्कूल लिखते हैं, पीरियड मीडियम ये लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेक्निक्स एंड कलेक्शन, तो हमेशा ये बात याद रखना कि मीडियम में आपका वॉश एंड टेम्परा, इसी के लिए बंगाल स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके आगे की पेंटिंग्स भी। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट, इंडियन पेंटिंग स्टाइल प्रूव्स इंडियन रूट्स। अब हमने पढ़ा ना ये बंगाल स्कूल है, तो उसके खुद की इंडियन जो पेंटिंग स्टाइल है उससे हमारे जो रूट्स हैं, लाइक हमें पता है कि हमने खुद के रूट्स निकाले हैं, मतलब रूट्स निकाले इन द सेंस
कि हमने कहीं से कॉपी नहीं किया इस चीज़ को, हमने खुद के अपने जो महत्व उसको जमाए रखा, गड़ाए रखा, हमने सीधे सीधे कहीं से कॉपी नहीं किया। और हमने फिर पढ़ा कि ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स जो हैं हमारे पेंटिंग्स में देखे जा सकते हैं। ठीक, सो विद दिस आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। ये है इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बोलने की आदत हो गई है मेरी। ओके, सो येस विद दिस दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़। ओके, सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड या टेक केयर, बाय बाय।